चौबीस तारीख को आरा की धरती से बिहार में ऐतिहासिक कार्यक्रम अमृतसर शोभा यात्रा की तैयारी की जा रही है। चौदह तारीख को बाबा साहेब अम्बेडकर शोभा यात्रा लाखों की संख्या में आपके साथ मिलकर एक दो बातें हम रखना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम किसी भी राजनीतिक दल और किसी आलोचना का कोई दरबारवादी का कि सारी शांति का ये कार्यक्रम है। मेरे भाइयों मेरे बंधु और परिवार साथियों, आगामी 14 अप्रैल 2023 को भव्य शोभा यात्रा निकालने के लिए अंबेडकर शोभा यात्रा समिति भोजपुर के तत्वाधान में एक बैठक आहूत की गई, जिसका मंच संचालन अजय पासवान एवं रघुपति यादव ने किया, जिसमें सभी सामाजिक कार्यकर्ता एवं सभी संगठनों तथा बुद्धिजीवी एवं सभी राजनीतिक पार्टी के नेतागण बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। पूर्व सदर विधायक डॉक्टर अनवर आलम, जाप नेता बबन यादव, लोजपा नेता सोनू पासवान, धर्मेंद्र प्रसाद, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष, एलजेपी जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान, सीआईडी पंचायत के मुखिया लाल मुक्ति पासवान छोटकी, सनदिया पंचायत के मुखिया हरेंद्र यादव, लोजपा नेता अजय पासवान, जदयू नेता संतोष मेहता, छात्र राजद आलोक रंजन भीम आर्मी भोजपुर ऋषिराज, राजद नेता रितेश जी, सोनू अंसारी अमराई नवादा पंचायत के पूर्व मुखिया मुन्ना पासवान, एलजेपी नेता मनोज पासवान एवं रजनीश यादव, अनिल कुशवाहा, अखिलेश यादव, मोहम्मद जागीर, मिश्रीलाल पासवान, महेंद्र सिंह एवं सैकड़ों लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इस पर अपनी बातों को रखे अजय भैया सम्मानित। अच्छा, बिहार की सबसे ऐतिहासिक ये बैठक है, क्योंकि हम इसी कड़ी में हम आपको बता देना चाहते हैं और मीडिया भाइयों के माध्यम से तमाम जनता को, तमाम लोगों को हम बताना चाहते हैं, श्रोतागण को, कि यह ऐतिहासिक बैठक इसलिए है कि ताकि आज पहली बार इस मंच पे सर्वदलीय बैठक और सर्व समाज का बैठक, अल्पसंख्यक से लेके तमाम वर्गों को लोग, जो लोग बाबा साहेब अंबेडकर को जानते हैं, मानते हैं और उनके विचारों पे चलने का काम करते हैं, इन तमाम लोगों के साथ आज बैठक है। और मूल उद्देश्य ये है कि आगामी 14 तारीख को जो हम लोगों का बाबा साहेब अंबेडकर का जयंती मनता है, उस जयंती के अवसर पे आगामी 14 अप्रैल को हम लोग आरा में एक ऐतिहासिक जो बाबा साहेब शोभा यात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं, लाखों का भीड़ आएगा, पूरा शांति व्यवस्था के साथ, साज बाज के साथ, बाबा साहेब का जो उपदेश, उनका संघर्ष, उनका जो उनका हमारे अधिकार को, समान अधिकार को दिलाने का जो काम किया है, उनके सारे संघर्ष जीवन को हम लोग प्रदर्शित करने का, फिल्माने का काम करेंगे शांति ढंग से, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और बाबा साहेब का जो, अंबेडकर जी का जो उनका विचारधारा था, उस विचारधारा को जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे और तमाम वर्ग, तमाम लोग, तमाम पार्टी के लोग हमारे साथ हैं, हम लोग एक साथ हैं और इसमें किसी भी दल का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का इसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं है, तमाम दल के लोग हम लोग साथ हैं, बाबा साहेब अंबेडकर के विचार पे चलने वाले लोग एक मंच पर। निकाला जाएगा कहां, क्या रूट है? अभी तो प्रशासन से सहमति लिया जाएगा, प्रशासनिक सारा प्रक्रिया के बाद ही तय होगा, लेकिन जो अभी तक जो है एक बना है कि रमना मैदान से होते हुए हम लोग लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे शोभा यात्रा के माध्यम से, और जनसंपर्क भी किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जनसंपर्क किया जाएगा और बाकी हमारे बात जो हमारे बड़े भाई रघुपति यादव जी हैं, इनसे भी बात आप लोग, और बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को प्यार करते हैं, बाबा साहब से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अंबेडकरवादी हैं, उन लोगों, तमाम लोगों को हम लोग सूचना देंगे, सभी लोगों से जनसंपर्क करके मिलेंगे और बताएंगे, सभी लोगों को शामिल होने के लिए, एकजुट होने के लिए। हम लोगों का ये अंबेडकर शोभा यात्रा समिति इसलिए बनाई गई है और इसलिए 14 तारीख को निकाला जा रहा है कि ताकि समाज एकत्रित हो, सब जो भी समाज है,
राजनीतिक दल हो या कोई भी हो, जात पात से ऊपर उठ के, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर जो समाज हित में अच्छा हो, समाज के लिए कुर्बान होने के लिए जज्बा जो रखता हो, समाज हित के लिए, समाज हित के न्याय के लिए लड़ाई जो लड़ता हो, उसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि एक मंच हो, एक घाट हो, ताकि सब लोग एक ही मंच पर और एक ही घाट पर पानी पिए। यही मकसद है हम लोगों का। पति से ऊपर उठकर सोचने वाले लोगों से मैं आग्रह विनती करता हूं, हाथ जोड़ के, कि आप लोग इस यात्रा में आए और ये यात्रा को सफल बनाएं और बाबा साहब के। सबसे पहले तो मैं आप सभी तमाम मीडिया बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट बंधुओं को मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस शोभा यात्रा तैयारी समिति आज कार्यक्रम को लेकर आज भोजपुर की क्रांतिकारी धरती होटल ग्रांड में आज एक बैठक आहूत की गई है, जो आगामी 14 अप्रैल को जो क्रांति यात्रा का मतलब कि बदलाव यात्रा, कि जो बाबा साहब ने जो इस देश को दिया है, शिल्पकार किया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो इस देश को संविधान दिया है, समानता का अधिकार दिया है, राइट टू एजुकेशन दिया है, सब सभी बाबा साहब का दिया हुआ है। तो इसके लिए कि आज जो देश में जो चल रहा है कि बाबा साहब को लेकर ये कुछ लोग जो है कि बाबा साहब कोई भी किसी भी जो महान विभूति है उनको पॉकेट में रखने का काम कर रहे हैं, तो ये हम लोग का इसमें सोच है कि नहीं, बाबा साहब पूरे देश को लेके किए हैं। बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर थे तो जो आज ब्रिटिश सरकार में जो 14 घंटा का प्रावधान था तो उसमें उन्होंने 8 घंटा का काम करने का कहे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने RBI का गठन किया था, बाबा साहब ने महिलाओं को अगर प्रेगनेंसी लीव देने का काम किया था, तो बाबा साहब ने किसी जाति और धर्म के लिए नहीं किया था, बाबा साहब तो समानता के इक्वालिटी की बात किया था। तो इसलिए 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की शोभा यात्रा पर हम तमाम यहाँ के जितने भी देश के और यहाँ भोजपुर और बिहार के तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और सभी जाति के, जैसे यहाँ देखिए अब बातें हैं कि यहाँ आप देख लीजिएगा, यहाँ LGP के लोग भी हैं, यहाँ JDU के भी लोग भी हैं, यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, मार्क्सवादी पार्टी के लोग हैं, मैंने सारे दल के सामाजिक संगठन के लोग हैं। तो ये इस बार जो BJP के जिला अध्यक्ष है, सारे लोग, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, सारे लोगों को इस बार इस मंच पर लाया गया है कि देखिए आप लोग कभी एक जगह बैठ नहीं पाते हैं कि किसी पार्टी और किसी का संगठन के माध्यम से करते हैं तो सिर्फ पार्टी के लोग ही वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसलिए इसमें ऐतिहासिक एक धरती जो है यहाँ ऐतिहासिक काम कर रहे थे, यहाँ से ऐतिहासिक काम रचाया जा रहा है। जो सोनू जी ने, इन लोग सब लोगों ने इस तरह का जो योजना बनाया तो इसको सफल बनाने के लिए आज बैठक के, तो सबसे पहले मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने हमें बोलने के लिए जबान दिया और लड़ने के लिए अधिकार, हमारे तकदीर बदल दिए, तस्वीर बदल दी, महान विभूति का नाम है राष्ट्रपिता बाबा साहब अम्बेडकर। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और उस मंच के माध्यम से मैं आप सभी प्रिंट मीडिया और सभी तारों के कि जब तक ले इक्वालिटी की बात नहीं होगी, जब तक ले यहाँ एक इक्वालिटी नहीं होगी, तब तक इस देश में समानता नहीं आएगा, ये देश राष्ट्र गुरु नहीं बन सकता है।